तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जाम पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अली मोहम्मद खान ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट में सामने आ गए। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने जमीर के मुताबिक सच का साथ दिया और साबित किया कि पाकिस्तान में हक परस्त और ईमानदार लोग मौजूद हैं, कोई अफसरों को दबाया नहीं जा सकता। अली मोहम्मद खान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जाम ने साबित किया कि तहरीक इंसाफ की बात दुरुस्त थी, पीटीआई के साथ धांधली की गई और हमारी सीटें छीन ली गईं। उन्होंने कहा कि हमारा सादा सा मुतालबा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले का नोटिस ले और तहरीक इंसाफ को उसकी सीटें वापस दिलवाएं। अली मोहम्मद खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर अदम एतमाद का इजहार भी किया और कहा कि उनकी सरपरस्ती में ही तो तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इसलिए उनकी किसी भी कमेटी पर कोई एतमाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस दे और ईसीपी चुराया गया मैंडेट वापस करे। उन्होंने कहा कि ये पहला इलेक्शन है जिसमें किसी उम्मीदवार को उसके हल्के में बैठने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है।